Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Anita Kapoor and you're watching Enhance Your Beauty with Fashion and Lifestyle. So friends, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे life changing tips share करने जा रही हूँ जो बदल देंगे आपकी personality को एक stylish, confident personality में. तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसे tips क्या हैं जिसको हम follow करके अपनी personality को इतना निखार सकते हैं. और आप देखेंगे कि ये tips कितना important role play करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में. फर्स्टली ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम करना चाहते हैं, आप अपने आप को कितना बदलना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं. नॉट ओनली आपकी स्किन कि आपने फेस ठीक कर लिया, आपने मेकअप कर लिया या आप स्किन अच्छी कर ली, इट्स ऑल अबाउट आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका सोचने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का. तो इन सब से मिलके बनती है हमारी पर्सनैलिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस किस टिप से अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं. फर्स्टली मेंटेन योर लिप्स एंड आईज. सबसे पहले नोटिस में हमारे लिप्स और आईज आते हैं क्योंकि फेस सबसे पहले दिखता है. हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले नज़र हमारे लिप्स पे जाती है, हमारी आईज पे जाती है. आप किसी से बात कर रहे हैं यूजली तो सबसे पहले नज़र आपके होठों पे जाएगी. अगर आपके लिप्स ड्राई हैं, कटे फटे से हैं या चिप हैं तो क्या शो करता है कि आप पानी कम पीते हो, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है, आपकी आंखें उदास हैं. अगर तो दिखता है ना कि आप कहीं डिप्रेस हो या आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो पानी का इंटेक अच्छा करके अपने लिप्स को मेंटेन करके आप लिपस्टिक ना लगाएं कि हर वक्त आपको लिपस्टिक लगानी है. आप लिप बाम लगा सकते हैं, अपने लिप्स को ग्रीस कर सकते हैं तो उससे आपके लिप्स शाइन रहेंगे और एकदम स्मूथ दिखेंगे. आईज में भी आप काजल लगा सकते हैं और किसी से आप अच्छे से आई कांटेक्ट बना के बात करें कि हिचकिचाएं नहीं. ये नहीं कि आप किसी से बोल्डली बात करें अब एकदम ज़्यादा हो जाए, नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स होके बात करें अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके ताकि आपकी आंखों में एक चमक दिखे बात करने में. अगर मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो सीधा बात कर रही हूँ, अगर मैं भी ऐसे बात करूँ तो मुझे आपको अच्छा नहीं लगेगा या मुझे अभी अपने अंदर लगेगा ठीक नहीं बना रही, मैं ठीक से बात नहीं कर रही. तो आपको अपने फेस को भी इन्हेंस करने के लिए अपने लिप्स पे, अपनी आईज पे थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें. अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं. सेकंड आता है हमारा ऑलवेज स्मेल गुड, आपका बॉडी ऑडर. कई बार होता है ना हम किसी से मिलते हैं तो एकदम अच्छा लगता है, फील आती है, मीठी मीठी सी खुशबू आती है. कई बार उसी की अपोजिट हम किसी से मिलते हैं तो उसकी एक बैड स्मेल में हमारा कहीं भाग जाने का मन करता है, लगता है अच्छा नहीं लग रहा है. तो इसका मतलब हमें अपने बॉडी ऑर्डर को समझना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी ऑर्डर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अच्छा सा कोई एक परफ्यूम डियो उसको यूज़ करें. ये नहीं कि हम आप परफ्यूम में नहा लो या खुशबू कर लो, बट एक भीनी भीनी सी खुशबू आपको भी फील अच्छा देगी. आपका बॉडी ऑर्डर बहुत कुछ बयान करता है आपके बारे में कि आप अपने आप को कितना सीरियसली लेती हैं और कितना अपने पर ध्यान देती हैं. बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर अपना इम्प्रेशन छोड़ें और ये होगा आपका अपना बॉडी ऑर्डर पे काम करना. वेरी सिंपल रेमेडी, यूज़ लाइट फ्रेग्रेंस परफ्यूम ताकि आप जहाँ पर भी जाएं आपके साथ हो आपकी भीनी भीनी सी खुशबू जो आपको बनाए कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल. इसके लिए आप यूज़ कर सकती हैं होम रेमेडी. आप अपने नहाने के पानी में लास्ट रिंस में पहले आप अच्छे से नहा लें, पूरा बाथ ले लें. नहाने के बाद लास्ट रिंस में आप रोज़ वाटर डाल के उससे आप लास्ट रिंस ले सकती हैं. इससे आपको एक भीनी भीनी सारे दिन खुशबू रहेगी. अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है और आपकी स्वेटिंग में स्मेल आती है तो आप अपने नहाने के पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ के नहा सकती हैं. इसको आप रेगुलर यूज़ करें, ये नहीं कि आपने कभी कभी कर लिया. अगर आप खुद देखें इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी. आप फिटकरी का यूज़ भी कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए. ये आप टेस्ट एंड ट्राई है, आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं. थर्ड आता है हमारा पोस्चर. आप अपने बात करते हुए या बैठते हुए अपना पोस्चर पे ध्यान रखें. आप अगर कंधे झुका के बात करेंगे तो आप बड़ा लो कॉन्फिडेंट आपका शो होगा. आप कंधे टाइट रख के या सीधा देख के एकदम बात करें, ये आपके कॉन्फिडेंट को इन्हेंस करता है और आपको एक अच्छी लुक देता है. बॉडी को स्ट्रेट रखें, आई कॉन्टेक्ट बना के बात करें, यह आपकी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट बनाएगा. फोर्थ आता है हमारा नेल्स और हेयर केयर. आप अपने नेल्स को हमेशा मेंटेन करके रखें, नेल को फाइल करें, उनको शेप दे के रखें,
नेल आपके चिप नहीं दिखने चाहिए, कटे फटे ना हो, आधी अधूरी नेल पॉलिश ना हो, इससे बेहतर तो आप लगाएं ना, इसको फाइल करके क्लीन करके रखें। आप अगर रोज नेल पेंट नहीं लगाना चाहते, आप बेस कोट लगा के या एक ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट लगा कर उसको छोड़ दें, ये आपको एक नीट लुक देगा। अपने आप हैंड्स को भी फेस की तरह ट्रीट करें, जैसे आप फेस के लिए हेयर के लिए इतना ध्यान देते हैं, आपने अपने हैंड्स को भी रखें। जैसे आप फेस पे पैक लगाते हैं, आप अपने हाथों पे पैक लगाएं, क्योंकि हाथों से ही हमारी एज का पता लगता है। हम हाथों से सारा काम करते हैं और नेल्स को हम चिप करके रखेंगे, नेल पेंट नहीं लगाएंगे, तो यह बहुत ही अजीब लगेगा। इससे आपको भी अच्छा फील नहीं होगा, दूसरे भी आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज शेप योर नेल्स एंड अप्लाई गुड नेल पेंट। हेयर केयर में आप अपने बालों को हमेशा नीट और क्लीन रखें। आप वीकली 2-3 times बालों में ऑयलिंग करके शैम्पू करें। जब भी आप बाल धोएंगी तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ लगाएं, चाहे कभी आप ऑयल लगाएं, कभी आप एग लगाएं, कभी आप कर्ड लगा सकती हैं, कभी कोई मास्क लगा सकती हैं। आपकी रेगुलरिटी हेयर को एक अच्छा स्ट्रेंथ दे देगा और आपके बाल हमेशा रेगुलर इसको केयर करने से कि आप कहीं भी जाने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। अगर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे बाल क्लीन नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, और रेगुलर जो आप मेंटेन करेंगे उससे आपके बालों की जो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उससे आपका लुक एकदम अच्छा लगेगा, शाइन दिखेगा। और क्योंकि बालों का ख़राब होना हमारी पूरी लुक को ख़राब कर सकता है। आप बालों के लिए कहीं जाना हो, आपके बाल परफेक्ट हैं, हेल्दी हैं, शाइनी हैं, क्लीन हैं, तो आप पोनी बना सकते हैं, बाल खोल सकते हैं, जूड़ा बना सकते हैं। तो आप अपने बालों को परफेक्ट बनाने के लिए इस पर रेगुलर केयर करें। हेयर केयर आपके लुक को बहुत ही इन्हेंस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट में, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ही उभार देता है। हमें कॉन्फिडेंट होना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि कॉन्फिडेंट होने से ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी को शो होता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे कैरी कर रहे हैं। कई बार कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में हम लोग ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। ये भी नहीं करना है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को एक मैसी लुक देगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव, क्लासी बनाने के लिए थोड़ा सा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और सुनने की आदत होनी भी चाहिए। अगर हम सामने वाले की बात सुनते हैं, हल्की सी स्माइल रखते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी लगती है, ग्रेसफुल लगती है, लगता है कि हम सामने वाले को भी टाइम दे रहे हैं बात सुनने का, और हम किसी की बात सुन के उसी पे तभी राय कायम कर सकते हैं। अगर आपको क्लासी दिखना है, अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाना है, तो थोड़ा सा चुप रहना सीखिए, सामने वाले की सुनिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आप रिलैक्स रहिए, सामने वाले से बात करिए, सामने वाले को समझिए। इससे आपका ग्रेस बहुत ही बढ़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होगी। आप अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी ज़्यादा काइंड दिखेगी, काम दिखेगी, आप ज़्यादा अप्रोचेबल लगेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात कीजिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी आपको निखारेगी, एक अच्छा सा लुक देगी, एक अच्छी पर्सनैलिटी देगी, और आप इन सब चीज़ों को अपना कर एक अपने आप को शेप दे पाएंगे, अपने को चेंज दे पाएंगे। अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी इसमें से पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।